ਡਿੱਠ ਸਭ ਤਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਾਲ ਪਿੰਗਲੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, जिस अमृत जल ने अभाग्या नूं भाग लाए, आखिरकार वो अमृत जल इस महान पावन अस्थान ते आउंदा कित्थों है? आप जी देखो कि शीशे वर्गा साफ पानी है, इहनूं आप जी देख के पता लगता कि जल खलोता है कि नहीं खलोता जी। 500 साधुआं ने हंसली बना के दरिया रावी चों लियांदा सी ये जल। अज भी इसे हंसली दे राही ही पहुंचता है सचखंड श्री हरिमंदर साहब दे पावन सरोवर च जल। अज दी साडी इस खास पेशकश दे विच असीं तुहानूं दस्सांगे कि कित्थों किवें ते किस तरह पहुंचता है सचखंड श्री हरिमंदर साहब दे पावन सरोवर दे विच जल। इस सरोवर ने इउं अपनी उम्र दे 400 साल हंडाए, दुखियां दे दर्द वंडाए, अभाग्यां नूं भाग लाए। सिख दे मन दे विच सचखंड श्री हरिमंदर साहब अते इस महान अस्थान दे सरोवर दे प्रति जो श्रद्धा प्यार सत्कार है वह बयान तों किते बार है। सिख रोज़ाना अपनी अरदास दे विच इस महान अस्थान दे दर्शन दीदारे अते इशनान लोचदा है ते अपनी जान वार के भी इस महान अस्थान दे सरोवर च इशनान करन नूं सतगुर दी अपार बख्शिश समझदा ए। डिठे सब ताव नहीं तुध जिहा, नहीं तुध जिहा। 1783 ईस्वी तो पहला अमृतसर सरोवर विच बरखा दा पानी जमा कर लिया जांदा सी, जां आउट दे समय हाटां राहीं खूहां दे पानी नाल सरोवर नूं भरिया जांदा सी, जिस विच सिख संगतां इशनान करके जन्म सफल करदियां सन। सतारा सौ 1783 ईस्वी नूं बरसात दे मौसम सौन भादुर दे दिनां विच भी बरखा ना होण करके अजिही औड़ लगी कि सरोवर दा जल बिल्कुल खुश्क हो गया, खूहां दा पानी भी हेठां उतर गया, जिस कारण हाटां राहीं भी सरोवर विच जल ना पाया जा सकिया। संगतां अमृत सरोवर दे इशनान तों वांझियां हो गईयां। श्री हरिमंदर साहब दे ग्रंथी साहिबान अते शहर दे मुखी सज्जना ने इकट्ठे हो उदासीन महापुरश महंत संतोख दास जी निर्बाण अते महंत प्रीतम दास जी निर्बाण, जो उस समय उदासी संप्रदाय दे मुखी सन ते जिन्हां नूं समुचे पंथ च बहुत ही करनी वाले पूर्ण साधु मन्निया जांदा सी, उन्हां नूं मिल बेनती कीती कि अमृतसर सरोवर लई पानी दा कोई पक्का प्रबंध कीता जावे, जिस नाल 8 पैर ते 12 महीने सरोवर सदा भरिया रहे। सो दोहां महापुरखां ने यह धार्मिक ते सब लई कल्याणकारी कार्ज समझ के 500 साधुआं नूं नाल लैके उस समय दे पठानकोट दे हाकम पंगी सरदार सरदार देसा सिंह पास जा उन्हां नूं इस गुरु दे कार्ज लई रावी दरिया चों माधोपुर तों हंसली भाव छोटी नहर कढ के जल अमृत सरोवर विच पाउण दे लई कहा। महात्मावां दे कहण अनुसार अपने इलाके च अपने खर्चे नाल हंसली पटवा के जल अगे तोर दिता। इस तरह यह हंसली दा जल दरिया रावी चों निकल के सम्मत 1842 बिक्रमी भाव 1785 ईस्वी च अमृतसर ते तरन तारण दे सारे सरोवरां च पैण लग पिया। हंसली दे निर्माण दा इतिहास बहुत ही ज़्यादा रोचक है। पठानकोट तो श्री अमृतसर साहब तक हंसली बनाउणा कोई सौखी गल नहीं सी, किवें उस समय दे मिसली सरदारा ने आपो अपने इलाके दे विच हंसली कढ के गुरु जस खटिया, ये सब दसण तो पहला असी पहुँचे हुए हाँ उस हंसली ते जिथों अज भी पुरातन विधि दे राही सचखंड श्री हरिमंदर साहब समेत जो पावन सरोवर ने उन्हां दे विच जल पहुँचाया जाता है। अप
अपर दुआब नहर की शाखा जिसनों सिखा वाली नहर भी कहा जाता है, इतों ही शुरुआत होंगी है सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे जल पहुँचाने की प्रक्रिया। सब तो पहला जो नहर है उसके कुदरती तरीके दे नाल एक हौद बनाया होया है। इस हौद दे विच जल स्टोरेज किया जाता है, तो कुदरती तरीके दे नाल ही इसकी साफ सफाई की जाती है। तो फिर पांच सरोवर जिसकी सिख पंथ दे विच सिख कौम दे विच विशेष महत्ता है महानता है, समेत सचखंड श्री हरिमंदर साहब का सरोवर उत्थे फिर हंसली के जरिए जल पहुँचाया जाता है। यह किन्नी इसकी चौड़ाई है, किन्नी इसकी डूंघाई है, किन्ना जल इत्थे स्टोरेज हुंदा है, तो किवें अगे जिहड़ा पहुँचाउण दी जल पहुँचाउण दी प्रक्रिया है, सारी गलबात करन दे लई बाबा अमरीक सिंह जी साडे नाल ने। बाबा जी कदों ये जिहड़ी हौद जिहड़ा ये हौद बनिया, तो किस तरह सारी प्रक्रिया है जिहड़े पंजे सरोवरां दे विच जल पहुँचाउण दी? ये हौद की जिहड़ी शुरुआत हुई बनाउण दी, क्योंकि पुरानी हसली परले पास चलती सी, इत्थे जिहड़ा 1990 दे विच ये वाला हौद बनाया गया, नहर दे विचों नाल ही पानी लै के इसकी लंबाई अंदाजा 180 फुट लंबाई है और 55 फुट इसकी चढ़ाई है, 15 फुट डीप ये जल रहा है। जो जल पिछों बहरों नहर के आता है और ये पहला पानी खलो के बिल्कुल स्लो हो के फिर अगे जाता। मैं आप जी ने दिखाना कैमरे में, वैसे पानी नज़र नहीं आता होगा, लेकिन मैं आप जी दिखाना कि शीतल कि साफ पानी है। मैं आप जी ने बिचों जाके दिखाना पानी कि साफ सुंदर है, तो यदि प्रोरिटी जी है जल की कि असी पिछों चैक कराया जो 15 दिन पहला कि जोड़ा एदा लेवल है, ये अंदाजा सिर्फ ये क्वालिटी 90 पॉइंट हैगी थी, जिहड़ा बाहर दे उन्हां दी पानी है बोरां दा पानी हैगा उहदे TDR 300 है, यदा ओनली 90 सिर्फ है। इन्ना साफ सुथरा जल है वाला, आप जी देखो कि शीशे वर्गा साफ पानी है, इहनूं आप जी देख के पता लगता कि इहदे जल खलोता है कि नहीं खलोता जी। इस हौद दे विच जल आउंदा कित्थों है ते बाहर जाण दा जिहड़ा राह किहड़ा जलदा? इतों तुसीं इधर बैक साइड वेखो, इतों पिछों देसी तरीके दे नाल पिछों एक दीवार करके एक कमरा टैप बना के हौसली बना के पिछों इहदे विचों दी जल पिछों नहर विचों आउंदा है, नहर विचों इत्थे आ के कुदरती तरीके नाल पानी साफ पुण के आउंदा इहदे विच जी। इस तों बाद जदों इह सारा पानी सरो इह हौद भर जाता, पानी 15 फुट दे करीब हो जाता, बिल्कुल साढ़े बैक साइड वेखो पिछे कोर्नर दे उत्ते बैक साइड दे उत्ते उतों पानी फिर बाहर पासे पंजा सरोवरों जी हसली जाती है उतों और बैक साइड के पानी ये वाले जाते जी। तो आम दिनों की आप गल की जाए जो नहर बंद होंगी है तो वह फिर किन्ना कितने पानी जो स्टोरेज जल स्टोरेज हो जाता है, तो जो अगे जाने जो इतने स्टोर पानी स्टोर होंगे सिर्फ 5 या 6 दिन वास्ते पानी अगे जा सकता, उस तो बाद फिर घ्यो मंडी 2 ट्यूबवैल लगा के उन्हें फिर एमरजेंसी पानी उतों पूरा किया जाता और ट्यूबवैल चला के पानी अगे पूरा किया जाता जी। सूए दे मोगे तो लैके शहर पनाह तक हंसली तिना पासियां तो कच्ची ते उपरों खुली होण करके जिथे जल नाल वधेरे मात्रा च मिट्टी ते गार मिल के सरोवर विच पहुंचदी, उथे हंसली विच वगदे जल विच कई कुछ डिगण दे नाल पवित्रता भी भंग हुंदी सी। इसे लई 1919 ईस्वी च मार्शल ला दे दिनां च श्रीमान संत गुरमुख सिंह जी ते संत साधु सिंह जी पटियाले वालियां ने संतोखसर रामसर ते बिबेकसर दे सरोवरां नूं जल पहुंचाउण वालियां हंसलियां पक्कियां करन दी सेवा दा बीड़ा चुक लिया। पावन सरोवर नूं जल पहुंचाउण वालियां हंसलियां जदों पक्कियां हो गईयां तां फिर तरन तरन साहब दी हंसली नूं पक्का करना शुरू कर दिता गया। श्री अमृतसर साहब विखे हंसली दे निर्माण समय मौके दे लागे 2 ताल बनाए गए ते इन्हां विच 7 साइफन तैयार करवाए गए। ताल बनाउण दा मुख कारण यही सी कि जल विच रली कुली मिट्टी ते रेत उत्थे ही बैठ जावे। हंसली च कुछ फासले ते सफाई आदि करन दे लई पेचां वाले मुग बनाए गए जिन्हां राही हंसली विच उतर के सफाई ते मुरम्मत आदि कीती जा सकती है। कारां वाले पुल दे नज़दीक जो सिखां वाली नहर है उस तों जो पावन सरोवर दे विच सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे जल पहुँचदा है उसकी शुरुआत हुंदी है, वो हंसली लगातार इस रस्ते दे राही सचखंड श्री हर दरबार साहब ते जो पावन सरोवर ने रामसर साहब कौलसर साहब बिबेकसर साहब वो सारे सरोवरों के जल जाता है। तो ऐसिया जिहड़ियां हौदियां दा जिहड़ा निर्माण करवाया गया है करीब 100 दे लगभग इन्हां दी गिणती बनती है, इन्हां दे जरिए जिहड़ा
जल है जिहड़ा वह अगे वहा सचखंड श्री हरिमंदर साहब वाल जा रहा है। तो इसकी जेकर लेंथ की चौड़ाई की गल करिए इन्नी क ज़्यादा वड्डी ते चौड़ाई है कि एक जिहड़ा बंदा इस दे विच चंगी तरह अंदर जाके साफ सफाई कर सकता है। तो साफ सफाई तो बाद जेकर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो साफ सफाई हो सकती है। तो इसे ही वहा दे नाल रोड दे नाल नाल ए जो जल है सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे वह पहुँचता है। सेवा दे इस महान कार्ज नूं शलाघायोग उद्यम प्रेम भाव ते संगत दे सहयोग ने ही सिरे चढ़ाया। संगतां ने भी माया दे खुले गफे अरदास करवाए, उत्थे ही हत्थी सेवा करके जन्म सफल कीता। दरबार साहब की कमेटी वालों भी 1,000 रुपये माहवार खर्च किया जाता रहा। 1983 च पंजाब सरकार ने 36 लाख रुपये खर्च करके सूए की बजाए वड्डी नहर चों नवी हंसली बना के अमृतसर जलंधर GT रोड के खब्बे पासे नहर के कोल तारा वाले पुल तो नेड़े उत्तर की तरफ नहर विच मोगा ला के पानी हंसली च छड्या। इस नवी हंसली का निर्माण 1983 मेन जगह जी तारा वाला पुल जितों ये जल अगों घ्यो मंडी तो जाके डिवल्ट हो जाता। तिना शाखा के वंडिया जाता जी, गुरद्वारा बिबेकसर साहब, गुरद्वारा रामसर साहब, गुरद्वारा संतोखसर साहब, तो सचखंड श्री हरिमंदर साहब। इतों जी जल खोल के तो मेन अहोदे जाता जी। मेन अहोदे तो अगर घ्यो मंडी चौंक के इत एक अहोद होर बनया हो जी, उतों जी अगों 3 जगह से डिवल्ट हो जाता जी। लोड़ अनुसार जिस भी सरोवर में जल की जिनी जरूरत होंगी आ उस सरोवर में उन्ना जल जरा वा वो सप्लाई कर दिता जाता जी। 1984 के घल्लूघारे तो बाद करीब 12 अक्तूबर 1984 नूं शुरू हुई कार सेवा तो बाद 17 अक्तूबर नूं इसे नवी हंसली राही अमृतसर सरोवर विच जल पाउणा आरंभ कीता सी। इस वक्त असी घ्यो मंडी विखे मौजूद हाँ। इत्थे आखिरी हौद है जिथों 5 सरोवरों के 3 भागों के जल में डिवाइड किया जाता है, अगे पहुँचाया जाता है, जिस दे विच रामसर साहब अते बिबेकसर साहब, इस तरह सचखंड श्री हरिमंदर साहब अते कौलसर साहब अते अखीर दे विच संतोखसर साहब विखे 3 भागों के जिहड़ा जल है उसनों डिवाइड करके अगे पहुँचाया जाता है। हंसली जो शुरू होंदी है तारा वाले पुल तो इत्थे ही आके उसकी समाप्ति होंदी है, तो अगे जिहड़ा 3 भागों के वंडिया जाता है। कई बार जो तो नहर सुक जाती है जां हंसली दे विच पिछों पानी नहीं आता तो इत्थे इन्ने क पुख्ता प्रबंध ने कि वड्डियां मोटरां लगियां होईयां ने ते उन्हां मोटरां दे जरिए जिहड़ा वो पानी अगे पहुँचाया जाता है। तुहानूं वो सारा अंदरों भी दिखाउंदे आ किवें वो सारा प्रोजेक्ट जिहड़ा इत्थे मैनेज किया होया है, किवें वो सारा अगे जल पहुँचाया जाता है। ते नाल ही इत्थे तुहानूं दस दईए बोर्ड लगे हुए ने क्योंकि मर्यादा नूं मान मर्यादा नूं कायम रख्या जाए। सचखंड श्री हरिमंदर साहब के जिहड़े 5 सरोवर ने उन्होंने जल इत जो इतों जाता है, सो अंदर किदा के प्रबंध ने उसके बारे भी तुहानूं असीं जरूर दसदे आं। अपर दुआब नहर तारा वाले पुल कोल बनाया गया होद जिस विच्चों सारा जल घ्यो मंडी विखे पहुँचता है, तो इतों ही जल नूं 3 भागों में वंड के अगे भेजा जाता है। सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो महज 1 किलोमीटर दूर बने इस हौद च 2 वड्डियां मोटरां भी लगाई गई हैं। जेकर नहर का पानी बंद हो जाए जां फिर किसी कारण पानी घट जाए तो मोटरां जरिए जल सचखंड श्री हरिमंदर साहब समेत 5 सरोवरों पहुँचाया जाता है। इतिहास नूं वाचदिआं पता लगता है कि अंग्रेज़ सरकार दे आउण ते अमृतसर दे लागे लंघदी नहर चों सूआ कढ़िया गया। तुंग पिंड कोल जिस सूए विचों मोगा ला के हंसली च जल छड्डिया गया सी उह अज अंतम साहां ते है ते केवल एक यादगार बन के रह गई है। 1983 दे विच जदों पंजाब सरकार ने 36 लाख रुपये खर्च करके इस सूए की बजाए वड्डी नहर चों नवी हंसली बना के जल छड्डिया ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹੰਸਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਜਿਸ ਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਲਾ ਕੇ ਹੰਸਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
जल जाता सी वह हंसली बेशक हुण वरतों दे विच नहीं है। तो ये हंसली हुण इत्थों बदल के जो तारा वाला पुल है उत्थों हुण जिहड़ा नवीं हंसली बनाई गई है जिथों सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे जल पहुँचाया जाता है। तो एक यादगार के तौर पर वो जिहड़ी पहली हंसली सी तुंग पिंड वाली वो अज भी जिहड़ा यादगार तौर पर रखी गई है। कोई हालत बोली वधिया नहीं पर फिर भी जिहड़ा एक यादगार तौर पर वो इत्थे मौजूद है। इसका जिहड़ा प्रबंध है इसकी जिहड़ी मलकीयत है वो सचखंड श्री हरिमंदर साहब के नाम श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इसका रख रखाव जिहड़ा वो किया जाता है। बेशक जिहड़ा रख रखाव श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही है पर देख सकते हैं थोड़ा खस्ता हालत है। पानी नहीं जिहड़ा जल नहीं छड्डिया जाता फिर भी जिहड़ा ये क्यों सामने इतने जिहड़ी हजे भी जिहड़ी कायम है। इहदी सब तो साडी पुरानी हसली आ जिहदे राहीं जल जिहड़ा सतखंड श्री हरिमंदर साहब तक पहुँचता सीगा। तो ये जगह जो है प्रबंधक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी मलकीयत आ सचखंड श्री हरिमंदर साहब के नाते आ फिर भी यादगार तौर पर इहदियां निशानियां अजे मौजूद ने। इहदा रख रखाव असीं कर रहे हैं कोई कब्जा ना करे तो कोई इधर उधर कोई रस्ता ना बनावे कोई कब्जा ना कर ले तो फिर भी इहनूं पवित्र मन्निया जांदा जी। इहनूं पवित्र हसली सब तों साडी पुरानी पवित्र हसली है। प्रशासन नूं भी थोड़ा चाहिए है क्योंकि देख सकते हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मलकीयत जरूर है पर प्रशासन या इलाके के लोगों वालों भी कोई बहुता सहयोग नहीं दिता जा रहा एक यादगार तौर पर जिक्र भी। हाँ जी प्रशासन के जो आसे पासे के लोग आ वो किसी बिना दरवाजा कढ़ लैंदा कोई रस्ता बना लैंदा गड्डियां गुड्डियां खड़ियां कर लैंदे आ इहनां नालों ना प्रशासन वालों कोई सहयोग है तो ना इत्थों दे लोगों वालों कोई सहयोग है रख रखाव वास्ते। फिर भी असीं लगातार इत्थे अपनी निगरानी रखते हैं कि कोई कब्जा ना करे ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਇਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੰਸਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਮਕਾਨ ਛੱਜਾ ਤੇ ਪਨਾਲਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੰਸਲੀ ਅਤੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਇਦਰਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਣੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਵਿਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੰਸਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਮੇਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਿਠ ਸਭ ਤੁਆਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ।